नमस्कार, इंडियन म्यूजिक आर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार सिंह और इस वीडियो सीरीज में हम गिटार के बेसिक से लेकर गाने बजाने तक का सफर तय करेंगे। हर वो छोटी से छोटी चीज बताई जाएगी इस सीरीज में ताकि आप गाना आसानी से बजा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सबसे बड़ा जो सेक्शन है इसको गिटार का बॉडी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये है गिटार का नेक और इसके बाद ये आता है गिटार का हेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छह जो काले चाबी जैसे हैं इनको ट्यूनिंग कीज या ट्यूनिंग हेड्स बोलते हैं। इससे हम जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं इसकी हम ट्यूनिंग चेंज करते हैं। ट्यूनिंग क्या है धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। तो पहले जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको गिटार लेके सबसे पहले जो करना है वो है आपका पोस्चर या आपके बैठने का, आप कैसे बैठेंगे। तो आपने एक नॉर्मल चेयर पर भी या बिस्तर पर भी कहीं भी बैठे जहाँ भी बैठे कोशिश करें कि आपकी गिटार जो है वो एकदम आपके शरीर के साथ भी सीधा रहे और इसका जो नेक है वो ज़मीन के साथ सीधा रहे। अच्छा, गिटार बजाने के लिए आपको दोनों हाथों की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको लेफ्ट हैंड से जो है वो आप सुर सिलेक्ट करते हैं और राइट हैंड से आप उसका साउंड निकालते हैं, साउंड बजाते हैं, प्लग करते हैं। इसके गिटार में हम उसको प्लकिंग बोलते हैं। तो प्लग करने के लिए हमारे पास जो रहता है उसे कहते हैं हम प्लेक्ट्रम या पिक बोलते हैं इसको। अब पिक आपको कई अलग अलग टाइप के मिलेंगे, जैसे कि मेरे पास ये एक टाइप का है, ये इससे थोड़ा छोटा सा है, ये थोड़ा और पतला है। तो पिक आपको डिफरेंट टाइप के मिलते रहेंगे, इसमें अलग से कोई बात नहीं है। अलग अलग जो जैसे बजाता है जिसको जो कंफर्टेबल लगता है उसकी वजह से होता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो पिक पकड़ने का जो टेक्निक्स है, दाएं हाथ को देखिए, प्लेक्ट्रम को आपको सीधा रखना है, ठीक है। यह रहा आपका हाथ, आपको जो का फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर उसको आपको फोल्ड करना है। यहाँ पे जो हड्डी है ये मेन वाली हड्डी और इस हड्डी के बीच में ये प्लेक्ट्रम रहेगा और आपका जो थंब है इससे आप प्लेक्ट्रम को ऊपर से पकड़ेंगे। मैं इधर से भी दिखा देता हूँ। अगर आपका हाथ ऐसा है तो पहला फिंगर फोल्ड हुआ, प्लेक्ट्रम पे आया, थंब यहाँ से गया। पीछे से फिंगर फोल्ड हुआ, प्लेक्ट्रम पे आया, थंब गया। तो ये हुआ आपका प्लेक्ट्रम पकड़ने का स्टाइल। आपका राइट हैंड जो है वो गिटार का साउंड निकालता है और लेफ्ट हैंड से आप नोट्स पकड़ते हैं या जिसको हम सुर बोलते हैं, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कितने सुर होते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छह स्ट्रिंग्स हैं। ये है सिक्स स्ट्रिंग, ये है फर्स्ट स्ट्रिंग। सो काउंटिंग शुरू होता है सबसे पतले स्ट्रिंग से। सो ये हुआ फर्स्ट स्ट्रिंग, ये आपका सेकेंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स स्ट्रिंग। फिर से बोलता हूँ, काउंटिंग शुरू होता है जो सबसे पतला स्ट्रिंग है या जो कि सर से सबसे दूर है, वो है आपका फर्स्ट स्ट्रिंग। तो ये हुआ फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग। इस तरह से आपके जो हैं छह तार होते हैं। पहला जो स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग उसका नाम है ई, फिर है बी, फिर है जी, फिर है डी, फिर ए और ई। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो बोलते हैं कि अरे दो स्ट्रिंग का नाम ई है तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कैसे पता लगाएंगे कि दोनों आलम किस स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि ई पे आपको बजाना है तो ई स्ट्रिंग आप कैसे बताएंगे कि दोनों का नाम तो सेम ही है। जो सिक्स स्ट्रिंग है इसको हम बोलते हैं लो स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी आवाज़ जो है वो मोटी होती है और नीचे साइड होती है। तो इसकी आवाज़ मोटी है और नीचे तरफ रहती है। जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसकी आवाज़ बहुत ऊँची होती है। आप फिर से सुनिए, यह है लोअर ई स्ट्रिंग जो कि आपका सिक्स स्ट्रिंग है। इसकी आवाज जैसे मैंने बोला कि मोटी होती है काफी। तो यह है सिक्स स्ट्रिंग और यह है फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट ई स्ट्रिंग। सो इस तरह भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप कुछ भी सीखेंगे तो आपको शुरू नॉर्मली करना पड़ता है नीचे से, तो इसमें भी हम नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर जाते हैं। देख के लगता है कि नहीं ये तो ऊपर साइड है क्योंकि आपके ज्यादा पास है। एक्चुअली ये होता है जो है ये होता है कि हमारा जो कान है वो हमारा आवाज़ पकड़ता है। तो ये आवाज़ के हिसाब से जो हमारा सिक्स स्ट्रिंग है वो सबसे नीचे रहता है आवाज़ में, सबसे लो स्ट्रिंग रहता है, और जितना हम आगे आ जाते हैं इसमें उतना आवाज़ बढ़ता जाता है। तो ये आपका लो साइड हुआ, ये आपका हायर साइड हुआ। तो जब कोई भी बोलेगा आपको कि आपको हायर स्ट्रिंग्स बजाना है, हायर स्ट्रिंग हम इन तीन स्ट्रिंग्स को बोलते हैं, ई, बी और जी, और लोअर स्ट्रिंग हम इन तीन स्ट्रिंग्स को बोलते हैं, डी, ए और ई। एक और फिर से रिपीट करता हूँ कि जो आपका हायर स्ट्रिंग्स है, जो ऊंचा आवाज़ देता है, वो है ई,
बी और जी, और जो आपका नीचा आवाज़ देता है लोअर स्ट्रिंग्स हैं वो है डी ए और ई। तो इस तरह से आपका गिटार जो है वो छह तारों में डिवाइड रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेक है, इस नेक में सिल्वर का आपको प्लेटिंग दिख रहा है। तो जो सिल्वर का प्लेटिंग है इसको हम बोलते हैं फ्रेट्स, इंडिविजुअल फ्रेट्स है ये, जो कि जिस पे कि हम लोग स्ट्रिंग को दबाते हैं और उससे फिर आवाज़ निकलता है। हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे हमारी आवाज़ नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। अब ये सुन सकते हैं, सुनिए। तो ऐसे ही आपकी आवाज़ बढ़ती रहती है। तो ईच इंडिविजुअल फ्रेट को हम लोग नंबरिंग करते हैं, जैसे कि ये हुआ आपका फर्स्ट फ्रेट। तो फर्स्ट फ्रेट बजाने के लिए आपको फर्स्ट फ्रेट जो है उसके ठीक पीछे आपका हाथ रखना पड़ेगा। जो भी फ्रेट आप बजा रहे हैं उसके ठीक पीछे आपका हाथ रहेगा। तो आपका फर्स्ट फ्रेट बजाना है तो उसका पीछे हाथ रहेगा। किसी भी स्ट्रिंग में अगर आपको फर्स्ट फ्रेट बजाना है तो उसका पीछे हाथ रहेगा। समझ लीजिए आपको फिफ्थ फ्रेट पर जाना है, तो फिफ्थ फ्रेट आप कैसे जाएंगे? पहला फ्रेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा फ्रेट बजाना है, बजाते कैसे हैं? उसके पीछे हाथ रख के। तो ये हुआ आपका पांचवा फ्रेट। इसी तरह से हर स्ट्रिंग के लिए इंडिविजुअल फ्रेट है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग सब आ रहा है। तो आपके जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल फ्रेट में बजा सकते हैं। तो आप जब भी ये गिटार लेंगे तो आपको गिटार के ऊपर आपको ऐसे डॉट्स दिखेंगे, आपको जो इंडिविजुअल डॉट्स दिख रहे हैं ऐसे डॉट्स दिखेंगे। इन डॉट को बोलते हैं इनलेज। ये डॉट आपके गिटार के सामने भी रहते हैं, फ्रेट में भी रहते हैं और ये ऊपर भी रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसका काम क्या है? ये आपको नंबरिंग करने में आपको हेल्प करेगा। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला फिफ्थ फ्रेट पे आने के लिए। अब हर बार अगर आप एक से पाँच तक गिनती करते रहेंगे तो आपका काफ़ी टाइम भी जाएगा और ये काफ़ी मुश्किल भी रहता है, क्योंकि आप जितना ऊपर जाएंगे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेट गिनने पड़ते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल नंबरिंग करने के लिए, ताकि आपको सुविधा हो। जो आपका इनलेज है वो आपका थर्ड फ्रेट पर रहता है, फिर फिफ्थ पर रहता है, सेवन्थ और नाइन्थ। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये आपको अभी समझने के लिए ये है कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको सेवन्थ फ्रेट बजाना है तो आप ये तीसरा वाला इनले देखेंगे। तीसरा वाला जो डॉट है आपका, वो आपको ऊपर भी रहेगा, फ्रेट पे भी रहेगा। आपको फ्रेट नॉर्मली दिखेगा नहीं, तो आपको ऊपर देख के बजाना पड़ेगा। तो आपको जो तीसरा डॉट है वो आपका सेवन्थ फ्रेट है। इसी तरह से आपको बजाते बजाते वो डेफिनेटली याद हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम इसका यही है कि आपको दिखाना कि आप फ्रेट पे कौन सी जगह पे हैं। अगर आप सिक्स फ्रेट बजा रहे हैं तो आप जो तीसरा डॉट है और दूसरा डॉट के बीच में आपको बजाना है। तो ये हुआ आपका सिक्स फ्रेट। तो ये आपको जस्ट गिटार में आप कौन से पोजीशन पे है इसको बताने के लिए आपको सहायता करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला वीडियो। पहला वीडियो जो है वो आपका गिटार कैसे आपको पकड़ना है, कैसे पोस्चर पे बैठना है। हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हमें गिटार से हमें आवाज़ निकालनी है, कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे आपके हाथ का जो आपका पोजिशंस है वगैरह, लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का, हम लोग सब वो सीखेंगे।